हाय गाइस, आज हम देखेंगे पतंजलि की सेवई का रिव्यू। ये प्लेन सेवई का पैकेट है, इसी तरह से पतंजलि की रोस्टेड सेवई आती है, यानी कि भुनी हुई सेवइयाँ। चलिए देखते हैं पैक के पीछे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये 900 ग्राम का पैक है, जिसकी MRP 65 रुपये है और 12 महीने की इसकी एक्सपायरी है। यहाँ राइट साइड में दी हुई है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। तो 100 ग्राम में 386 कैलोरीज है, 11.8 ग्राम प्रोटीन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें ट्रांसफैट बिल्कुल ज़ीरो है। और ये सेवइयाँ जो बनी हैं वो बनी है सूजी से। नॉर्मली मार्केट में मैदा से बनी हुई सेवइयाँ आती हैं, ये सूजी की सेवइयाँ हैं जो कि हेल्दी है। ये पैक ओपन कर दिया हमने, ये बिना भुनी हुई हैं तो हमने इनको भून लिया है। बनाने से पहले आप इसे भून लेंगे, उसके बाद हम इसे मीठे या नमकीन दो तरह से बना सकते हैं। तो आज मैं इसको नमकीन वाले तरीके से बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिया। तेल जब गरम हो जाएगा उसमें हम थोड़ी सी राई डाल देंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया था तो प्याज डाल दी है। अदरक मुझे पहले डालना चाहिए था, मैं भूल गई, तो मैं अब डाल रही हूँ। तो कड़ी पत्ते के बाद आप अदरक डालेंगे, फिर आप प्याज डालेंगे, फिर एक टमाटर हमने बारीक काट लिया था वो डाल दिया है, टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया। अब आपके पास जो सब्जी हो, मैंने यहाँ पे मटर और फूल गोभी ली है, आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। मसालों में हमने यहाँ पे हल्दी, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाला है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम भुनी हुई सेवइयाँ डालेंगे, अच्छे से इसे चला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमको सेवइयों से 1 इंच ऊपर रखना है, क्योंकि सेवइयाँ फूल जाती हैं। और इसमें नींबू एक ज़रूर निचोड़िएगा, नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो नींबू निचोड़ दिया और इसको फुल गैस पे पकने दीजिए, बॉयल आ जाने दीजिए। बॉयल आ गया, गैस कम कर दीजिए और 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और पकने के बाद ना आप इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें, तब ये एकदम अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद आप सर्विंग प्लेट में निकालें, देखिए वाओ, टेस्ट वाइज कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, अच्छी बनती है, हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, आपको इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।